हेलो एवरीवन, अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप कोई भी मांगलिक कार्य बिना किसी मुहूर्त के कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन किया गया जप, पूजा पाठ, दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आज मैं आपको अक्षय तृतीया के दिन जो पूजा करनी है उसकी बहुत ही सरल विधि आपको बताने जा रही हूँ, जिसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और जिससे आपके घर में सुख शांति और संपदा, धन संपत्ति सब बनी रहेगी। तो भगवान जी की, भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए मैं सबसे सरल विधि पूजा बता रही हूँ, तो इसको आप ज़रूर करिएगा। तो मैंने एक चौकी ली है, चौकी को अच्छे से साफ कर लिया है और शुद्ध गंगा जल से उसको उस पर छिड़क दिया है। अब इस पर मैंने एक लाल कपड़ा बिछाया है चौकी पे, और लाल कपड़े के बाद मैंने एक पीला, हल्का पीले रंग का एक कपड़ा बिछाया है। इस पर मैं भगवान जी को, भगवान विष्णु और गणेश जी और लक्ष्मी माता जी को विराजमान करूंगी। सबसे पहले मैं इस पर डालूंगी अक्षत यानी कि चावल। इसकी जगह आप चौकी पे फूल भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें सबसे पहले गणपति जी को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास गणपति जी नहीं है तो आप सुपारी भी ले सकते हैं उसकी जगह। तो ये देखिए, मेरे पास ये फोटो है जिसमें गणपति जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती माता जी हैं। तो मैं सबसे पहले इनको विराजमान करूंगी, उसके बाद मैं विष्णु भगवान जी की फ़ोटो, उनको भी बगल में विराजमान करूंगी। तो फोटो को मैंने शुद्ध जल से अच्छे से साफ कर लिया है और इस तरह से अगर आपके पास विष्णु लक्ष्मी की एक साथ फ़ोटो हो तो वो भी अच्छा है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो उसके बाद मैं एक माता जी की चुन्नी वो डाल दूंगी ऊपर से, और उसके बाद एक प्लेट में मैं डालूंगी चावल, और इस चावल के ऊपर कलश रखेंगे। और आप कोई भी मिट्टी का कलश, बहुत ज़रूरी है इस पूजा के लिए, तो आप मिट्टी का छोटा बड़ा या जो सुराही टाइप होता है वो, या तो आप जो टैप वाला होता है, क्योंकि इस मटके को आपने दान करना है। आप चाहे तो घर में भी रख सकते हैं पर दान का ज़्यादा महत्व है, तो शुभ फल की प्राप्ति के लिए हम इसको दान करेंगे। तो मैं इसमें स्वस्तिक बना रही हूँ चंदन से, और इस पर मौली भी बांध दी है मैंने। तो इस कलश की पूजा होगी इसमें, तो इसको शुद्ध जल से हम भर देंगे, और शुद्ध जल डालने के बाद इसमें हम आम के पत्ते, या आम के पत्ते ना मिले तो अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं, 5, 7, 9। और उसके बाद मटके में डालेंगे हम थोड़ा सा अक्षत और थोड़ा सा कुछ मीठा डाल देंगे, और उसके बाद इसके ऊपर कोई भी ऋतु फल आप रख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से खरबूजा रखा है, तो ये राधा कृष्ण जी हैं, तो ये भी मैं नया लेकर आई थी राधा कृष्ण जी, तो वो भी आप रख सकते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन आप राधा कृष्ण जी की भी मूर्ति ले सकते हैं, नई ले सकते हैं। और ये मैंने कुछ बर्तन हैं ये भी नए हैं, तो इसको मैं ऐसे खाली नहीं रखूंगी। तो इसमें मैंने माता जी को कौड़ी रखी है और लक्ष्मी माता जी के लिए, और जौ रखा है एक प्लेट में, और इसमें मैंने शुद्ध जल रखा है जो गिलास है। तो ये सब पीतल के बर्तन हैं, अगर आप सोना चांदी नहीं ले सकते तो आप इस तरह से पीतल के बर्तन खरीदारी कर सकते हैं। और चने की दाल जो मैंने सब भर के रख ली है, बाद में इसे मिक्स करके मैं इसको दान कर दूंगी। तो मैंने अभी छोटी सी कटोरी में निकाले चने की दाल, ये सब स्वर्ण के समान समझे जाते हैं। और चांदी मैंने इस तरह से पायल ली है, आप चाहे तो पायल या फिर चांदी का सिक्का कुछ भी ले सकते हैं। और ये माता जी की सिंदूर की डब्बी है, तो लक्ष्मी अर्पित की है। इसके अलावा माता जी को चूड़ी और श्रृंगार का सामान आप जो भी चाहें आप चढ़ा सकते हैं। और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद गणपति जी, भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी माता और मिट्टी का कलश, उन सब में हम चंदन से टीका लगाएंगे। इसके बाद जो दिया मैंने नया लिया है, तो इसी में मैं दिया जलाऊंगी आज, देसी घी का या तिल का, किसी भी चीज़ का दिया जला सकते हैं, चाहे तिल का जलाइए चाहे देसी घी का जलाइए। और दिए को खाली नहीं जलाना है, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो
मैंने पीली चने की दाल डाली है उसमें दो चार दाने, और मीठे में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं, मिष्टी चढ़ा सकते हैं, या फिर मखाने या लक्ष्मी माता जी को खीर का भोग लगा सकते हैं। और पीले फूल आपको जरूर अर्पित करने हैं, और लक्ष्मी माता को लाल फूल अर्पित करने हैं, और ऋतु फल आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, तो तरबूज, खरबूजा, अनार या फिर खीरा, ककड़ी, कुछ भी आप चढ़ाइए, और इसको आप पूजा के स्थान पे विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माता जी को अर्पित करिए। उसके बाद हम दिया जलाएंगे और धूप दीप करेंगे, और हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेके, कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं तो ऐसे अक्षत लेके आप कथा सुनिए, कथा सुनने के बाद आप जो है इसको भगवान जी पे अर्पित कर दीजिए। उसके बाद हम पूजा आरती करेंगे, घर के सभी मेंबर मिलके भगवान जी की आरती करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। तो ये जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा आपका जो भी दान करने का मन हो, बस ध्यान रहे कि आपको काली वस्तुओं का दान नहीं करना है, ज़्यादा आपको पीली चीज़ों का दान करिए, लाल चीज़ों का दान करिए। और उसके बाद एक माला आपको तुलसी की माला या जो भी माला से आप माला जपते हैं उसकी एक माला आप जरूर करिए। चाहे तो आप जो है 5, 7, 9 माला भी जप सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप एक माला आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर माता जी का बीज मंत्र जो होता है लक्ष्मी माता का, या फिर राधा जी, इस चीज़ का भी, जो भी भगवान जी का आप नाम जपते हैं उसकी माला आप जरूर करिएगा। एक ही माला चाहे करिए, उसके बाद हाथ जोड़ के उनसे प्रणाम करिएगा, गलती के लिए क्षमा मांगिएगा, और जो भी आपकी मनोकामना हो वो हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करिएगा। हमारे कलश को आप अगले दिन आप दान कर दीजिएगा, या फिर उसी दिन पूजा के बाद आप दान कर सकते हैं। और जो कौड़ी है इसको आप पूजा के बाद अगले दिन आप तिजोरी में रख दीजिएगा, जहाँ पे आप पैसे वगैरह रखते हैं ना, कैश वगैरह, वहाँ आप रख दीजिएगा। और उसके बाद फल भी आप दान कर दीजिएगा, और जो नीचे जो चावल रखा है मैंने, चावल में थोड़ा सा और चावल मिला के, जो सीधा बोलते हैं जिसे, वो चावल भी आप जो है मंदिर में या फिर कहीं भी आप किसी गरीब को या फिर ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। और या तो आप दान करें या तो आप फल को पूरे परिवार में या प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया की ये रही सबसे सरल विधि पूजा। थैंक यू सो मच।